उपभोक्ता को प्रदान करनी। जैसे अगर देखते हैं विज्ञापनों में 10 ग्राम 100 ग्राम के पैकेट पर 10 ग्राम फ्री या 20% एक्स्ट्रा या उसके मूल्य में कमी करना, डिस्काउंट देना, कटौती देना या एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु देना, इसे भी क्या कहा जाता है विक्रय संवर्धन कहा जाता है। वो परिवार जो एक वस्तु की विक्रय को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं वो परिवार सामान्य बाजार में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि बाजार हमेशा उस स्थान को कहा जाएगा जहाँ पर इनमें से कोई भी प्रयास अप्लाई करा जा सकते हैं, अपनी वस्तु का विक्रय कर सकते हैं। यदि अपने को वस्तु बेचने के लिए सारे काम करने पड़ेंगे तो अपनी ये नहीं कर सकते, अपनी वस्तु का बाजार उपलब्ध है, क्योंकि बाजार उपलब्ध नहीं है, बाजार ने क्या किया इन सब कारणों से क्या किया अपना बाजार बनाया। दूसरा इसकी विचारधारा यह है कि बाजार की क्या विचारधारा है। तो पहले जो बाजार थे वो कैसे बाजार थे, विक्रेता प्रधान कि जैसी वस्तु विक्रेता ने बेच दी वही वस्तु उसको क्या करनी पड़ती थी, काम में लेनी पड़ती थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करे उस वस्तु के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके या उसका रिप्लेसमेंट कर सके या उसको वापस दे के अपना पैसा प्राप्त कर सके। वर्तमान की बात कैसा है, क्रेता बाजार यानी जैसी वस्तु क्रेता चाहता है खरीदने वाला चाहता है वैसी वस्तु क्या करनी पड़ेगी अपने को बनानी पड़ेगी, तो ही एक वस्तु बनाने बिक सकती है, वरना उसको किसी भी तरह से क्या नहीं कह सकता बाजार में बेचा नहीं जा सकता। उसके बाद में दूसरी है ग्राहक, दूसरी अवधारणा आती है ग्राहक कि ग्राहक को वर्तमान में क्या माना गया है बाजार का राजा कहा जाता है कि जैसी वस्तुएं ग्राहक चाहता है उसके अनुसार वस्तुएं नहीं बदल रही तो उन्हें क्या नहीं किया जा सकता उस वस्तु का विक्रय नहीं किया जा सकता। यानी यदि अपने को वस्तु बाजार में बेचनी है तो जैसी ग्राहकों की मांग है उसी मांग के अनुसार वस्तु का अपने को उत्पादन और विक्रय करना होगा। तीसरा है विपणन, इतना बहुत है इसका भी आगे है विपणन की अवधारणा। तो विपणन की अवधारणा से पहले अपने को विपणन उन समस्त प्रयासों को कहा जाता है जो एक उत्पादक अपनी वस्तुओं का विक्रय करने के लिए बाजार में करता है। जो वस्तु वो बनाता है उसको किन तरीके से वो बेच सकता है उन सब प्रयासों को कहा जाता है विपणन की अवधारणा कहा जाता है। और समझ से क्या कह सकते हैं विपणन के कार्य, कि एक जो व्यापारी है वो विपणन में कौन कौन से कार्यों को पूरा करता है। तो सबसे पहला एक व्यापारी एक उत्पादक एक निर्माता के रूप में अपना काम क्या होता है बाजार के सूचनाओं को एकत्रित करना, बाजार के सूचनाएं एकत्र करना कि सबसे पहले अपन बाजार में सर्वे करते हैं अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और ये अनुमान लगाते हैं कि जिस वस्तु का अपन उत्पादन करना चाहते हैं या जो वस्तु अपन बनाना चाहते हैं वो अपन किस तरह के मार्केट में क्या कर सकते हैं उसका विक्रय कर सकते हैं, किस तरह के मार्केट से मतलब कि वो बड़े लोगों के लिए होगी महिलाओं के लिए है या छोटे बच्चों के लिए या स्कूल आने वाले बच्चों के लिए लड़कों के लिए लड़कियों के लिए किस आय वर्ग के लिए है शिक्षित लोगों के काम के लिए है या अशिक्षित लोग भी उनको काम में ले सकते हैं। तो वो सारी सूचनाएं अपने को उस वस्तु के संबंध में प्राप्त करनी होती है जिसे अपन आसानी से अनुमान लगा सके कि हाँ अपन अपनी वस्तु की जो कीमत है वो
इंसिडेंट इसमें दस के बीच से की रेंज में अपन अपनी वस्तु की रेंज को रख सकते हैं और उसका इस मूल्य पर क्या कर सकते हैं आसानी से विक्रय कर सकते हैं। तो बाजार की सूचना एकत्र की और उन सूचनाओं को एकत्र करने के बाद उनका क्या किया जाएगा विश्लेषण किया जाता है कि उनको वर्गीकृत करना उनको उपयोगी बनाना कि जिससे अपन एक निष्कर्ष पर पहुंच सके और ये डिसाइड कर सके कि अपने को जो वस्तु बनानी है वो किस रूप में होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा विपणन नियोजन कि विपणन की योजनाएं बनानी होगी उन योजनाओं के आधार पर अपने जो कार्य है जो सूचनाएं अपने एकत्र की है उन सूचनाओं को साकार रूप में शामिल करेंगे जिससे अपने को पता रहेगा कि जो सूचनाएं अपन ने प्राप्त की अलग अलग माध्यमों से वो सूचनाएं अपने लिए उपयोगी है या नहीं है और उन्हीं का विश्लेषण करेंगे और जो वस्तु अपने को बनानी है उस वस्तु की एक सामान्य प्लानिंग करेंगे रूपरेखा बनाएंगे कि इस तरह से अपने को क्या करना है वस्तु को तैयार करना है। तीसरा वस्तु तैयार हो गई अपने प्लानिंग कर ली कि हाँ इस तरह से अपने को वस्तु बनानी है उसके बाद क्या करेंगे उसका डिजाइन तैयार करेंगे कि किस फॉर्मेट में किस आकार में किस वजन के साथ अपने को वस्तु बनानी है। यदि बिना अनुमान के अपन वस्तु बनाए तो वो क्या नहीं कर पाएगी जो ग्राहक है उनकी आवश्यकताओं को क्या नहीं कर पाएगी पूरा नहीं कर पाएगी। अब कंज्यूमर अगर कोई उपयोगी वस्तु नहीं बना पा रहे हैं अपन तो उसका क्या नहीं होगा मार्केट में अपन आसानी से विक्रय नहीं कर पाएगा। तो जो वस्तु बनाई जाए जो डिजाइन तैयार किया जाए वो इसका लागू जो अपन ने बाजार किया है नियोजन किया है उस नियोजन के अनुसार क्या उनके लिए अपनी वस्तु सही रूप सही आकार की होनी चाहिए। उसके बाद में अगला कार्य है प्रमाणीकरण। और श्रेणियां अलग से पूछा जाने वाला टॉपिक है कि प्रमाणीकरण और श्रेणियन से क्या आशय है। तो प्रमाणीकरण का मतलब सिंपल सा है कि अपने को अपनी वस्तु के लिए क्या करने होते हैं प्रमाण निर्धारित करने होते हैं कि जो भी वस्तु अपन बना रहे हैं उत्पाद तैयार कर रहे हैं ये तो है नहीं कि अपन ने उस उत्पाद को इन्वेंट किया और पहली बार वो उत्पाद अपने द्वारा ही बनाया जा रहा है अपने से पहले भी वो वस्तु बन चुकी और बाजार में बिक रही है अपन ने उसको किस रूप में शामिल किया नवाचार के नए नाम के साथ उसको बाजार में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो ही प्रभाव अपने को रखने होते हैं जो प्रभाव उस वस्तु के संबंध में पहले से बाजार में है उनसे अलग प्रभावों में अपन क्या नहीं कर सकते उस वस्तु का उत्पादन करके विक्रय नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अपने को शूज बनाने हैं तो शूज के लिए पहले से प्रभाव निर्धारित है वो क्या है 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर या अपन रेडीमेड कपड़े बना रहे हैं रेडीमेड गारमेंट बना रहे हैं उनकी भी अपने लिए साइज फिक्स है कि हमें भी क्या करनी होती है
अपनी वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। उन परमात्मा से हटकर अपन क्या नहीं कर सकते, अपनी वस्तुओं का यदि उत्पादन करेंगे तो वो उत्पाद बाजार में अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। यानी अपनी ये नहीं कह सकते कि हाँ अपन ने अलग से 6.5 रुपए में बनाए नहीं किया जा सकता। तो ये तो है परमात्मा का कि जो प्रभाव पहले से उपलब्ध है उन्हीं परमात्मा का आधार बचा देना, अपनी वस्तुओं को तैयार करना। दूसरा होता है श्रेणियां कि बाजार में जो अपनी वस्तुओं को तैयार कर रहे हैं कि एक वस्तु से एक बार में अपन क्या नहीं कर सकते, समस्त उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। कि एक ही उपभोक्ता समूह को ध्यान में रख के अपने को क्या करनी होती है, अपनी वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय करना होता है। अब श्रेणी में अपने श्रेणी रख सकते हैं, कि सबसे पहले क्या करें उस वस्तु को सुरक्षित रखे, दूसरा उसको लाने ले जाने में उसके परिवहन में क्या करें सुविधा प्रदान करें, तीसरा उस वस्तु को उसके उपयोग होने तक या अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक उस वस्तु को क्या रखे सुरक्षित रखे। तो पैकिंग एक सामान्य रूप से बाहरी आवरण होता है जो वस्तु को क्या करता है लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, उसकी गुणवत्ता बनाए रखता है, उसकी गारंटी देता है कि हाँ वस्तु है वो सही रूप में उपभोक्ता तक पहुंच रही है। इसका मतलब लेबलिंग, तो लेबलिंग अपने को सबको पता है कि लेबल एक सामान्य सी पर्ची होती है जिसमें उस वस्तु विशेष से संबंधित सारी सूचनाएं अपने को आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसे अपन उस सूचनाओं को पढ़कर वस्तु के संबंध में जो सामान्य आवश्यक जानकारियां हैं वो आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दवाई की शीशी पर जो पर्ची लगी रहती है जिसमें उसका मूल्य, उत्पादन तिथि, एक्सपायरी डेट, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट शामिल किए गए हैं, उसको यूज करने के लिए कौन कौन सी अपने को सावधानियां रखनी है, किस तरह से कितनी मात्रा में कब उनका उपयोग करना है आदि सारी सूचनाएं अपने को उस लेबलिंग किट के माध्यम से आसानी से मिल जाती है। अगला इसमें है छठा इसका जो कार्य है वो है या ब्रांडिंग की, क्या करना उस वस्तु का जो ब्रांड है यानी उस वस्तु को नाम प्रदान करना जिससे क्या हो उसकी एक
पहचान बने और उसी ब्रांड नाम के साथ आसानी से उपभोक्ता क्या कर सके, उस वस्तु का क्रय विक्रय कर सके। विक्रय तो थोड़ा सिर्फ अपने को क्रय का देता है कि वस्तु क्या कर सके, आराम से उस वस्तु का क्रय कर सके। जैसे लंदन, पार्ले जी, सनफीस्ट, ओरियन, पीएसपीओ, कोका कोला, पेप्सी, ये सारे क्या है, ब्रांड नाम है जो क्या कहते हैं अपने को उस वस्तु की एक अलग पहचान प्रदान करते हैं, जिससे आसानी से अपन क्या कर सकते हैं उस वस्तु का क्रय कर सकते हैं। यानी ब्रांडिंग का सीधा क्रय होता है कि वस्तु का क्या करना, नाम तय करना कि जिस नाम से अपन क्या कर सके उस वस्तु की पहचान कर सके। उसके बाद में अपने को और कोई उसका विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे बिस्किट के लिए पार्ले जी, सिर्फ नाम काफी है, जाते हैं बोलेंगे पार्ले जी तो अपने को बिना कोई अतिरिक्त किए कुछ नहीं पूछा जाता, पार्ले जी उठाया और अपने को दे दिया, तो वो क्या है उसका ब्रांड नाम है, उसने अपनी एक अलग से पहचान बना रखी। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। उसके बाद में अगला जो है पांचवा पॉइंट है ग्राहक सहायता। अब देखो ग्राहक सहायता सेवा क्या होती है कि आपका अपने समझ में पड़ा कि जो बाजार है वो कैसा है, उपभोक्ता बाजार है, कि यदि हम अपने उपभोक्ता को संतुष्ट रखते हैं तो किसी भी तरह की वस्तु का कर सकते हैं आसानी से सैर हम उस वस्तु की कर सकते हैं। अपने उसने कोई ज्यादा सोच विचार करने की या ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अपना जो ग्राहक है, अपना वस्तु खरीदने वाला है, वो अपने से संतुष्ट है, और संतुष्ट है तो वो अपनी वस्तु आ जाता है क्रय करता रहेगा। और इसमें अपन कौन कौन सी उसको सेवाएं दे सकते हैं जिससे उसकी संतुष्टि के स्तर में वृद्धि हो सके। तो पहली इसमें है विक्रय बाद की सेवाएं प्रदान करना। अगर मान लो किसी कंज्यूमर ने अपने से एसी खरीदा तो आपने क्या करना है उस एसी को उसके घर पे लगा के देंगे, सेट कर देंगे तो अपने बता देगा कि हाँ ठीक है, अगला भी खुश, अपनी बिक्री हो रही है, कोई झंझट नहीं। दूसरा ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना कि अगर हम समस्या समाधान नहीं कर सकते तो उसको उपाय तो बना सकते हैं कि हाँ आपको अपनी समस्या का समाधान वहां से प्राप्त होगा, इस नंबर पे आप बात करो, ये करो, वो करो, वो सारी बात अपन उसको बता देंगे तो भी उसके मन में हार रहे कि हाँ ठीक है, ना से तो हाँ ठीक है कि कुछ ना कुछ तो अगले ने अपना समाधान किया ही है। तकनीकी सेवाएं भी हो सकती हैं, यदि उसमें कोई छोटी मोटी स्पेयर है, कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को क्या करना, सुधार के देना। क्रेडिट, यानी वर्तमान में कोई एक ही ऐसा मार्केट या एक ऐसा व्यापार माध्यम नहीं है जो अपन केवल नकद से ही चला सके, यानी हमें उधार लेना भी पड़ता है और मार्केट में उधार देना भी पड़ेगा। केवल नकद के आधार पर वर्तमान समय में कोई भी व्यापार संचालित नहीं किया जा सकता। अगला है देख रेख संबंधी सुविधाएं प्रदान करना कि यदि उसको ये लगता हो कि हाँ उसको वस्तु के बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि किस तरह से वो अपनी वस्तुओं को उपयोग में ले सकता है, उनका रख रखाव कर सकता है, तो वो सारी सुविधाएं को क्या करनी होती है, उनको बतानी होती है जिससे वो आसानी से अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रख सके। और यदि अन्य कोई जानकारी उपभोक्ता अपने से चाहता है तो वो जानकारी भी एज ए सेलर, एज ए प्रोड्यूसर, एक उत्पादक, एक विक्रेता के नाते अपने को देनी होती है। उसके बाद में सबसे इसमें महत्वपूर्ण काम है कि यहाँ तक आने के बाद अपने को क्या करना होता है, अपनी जो वस्तु है मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा कि जो वस्तु अपन ने बनाई है वो
प्राप्त हो, कंजेशन में सारे और अपने को लाभों के प्राप्ति उसमें से हो। तो इसके लिए क्या करना होता है, वस्तु का मूल्य निर्धारित करना होता है। और मूल्य निर्धारित करते समय सबसे पहले अपने को क्या देखना होता है, वस्तु को बनाने में आई लागत, कि वस्तु को बनाने में खर्चा कितना लगा। जैसे मान लो एक वस्तु धारक का खर्चा कितना लगा, 8 रुपए का अपना खर्चा लगा। दूसरा मजदूरी 2 रुपए मजदूरी के लगे था। तीसरा परिवहन, पैकिंग, लैंडिंग, ये सारे काम के 3 रुपए का इससे लग गए। उसके बाद में चौथा सरकार को अपने को कितना कर देना होगा, 2 रुपए कितने होंगे, मोटा मोटा मान लिया अपने 3 रुपए लगे, 8 रुपए लगेगा, पंद्रह रुपए का अपना यहाँ तक का खर्चा हो गया। अब इसमें अपने को क्या लेना, अपना प्रॉफिट भी लेना, तो बिना प्रॉफिट के अपन क्या नहीं कर सकते, अपना व्यापार संतुष्टि उसको मिलनी चाहिए, की वस्तु के उपयोग से क्या मिलनी चाहिए, 20 रुपए की संतुष्टि मिलनी चाहिए। नहीं तो उसको क्या लगेगा कि जितना अपन ने उस वस्तु के लिए कमाया है उतनी अपने को क्या नहीं मिल रही, संतुष्टि नहीं मिल रही। तो बिना संतुष्टि के वो क्या नहीं कर पाएगा, अपनी जो वस्तु है उसकी कीमत चुका नहीं पाएगा। तो जितनी अपन कीमत रखते हैं उसके अनुसार उसको क्या करना चाहिए, उस वस्तु के उपयोग से संतुष्टि मिलनी चाहिए, तो उनको कीमत चुकाएगा, वरना उन वस्तु की कीमत नहीं चुकाएगा। अगला है वस्तु बेची, हमारे कीमत तय करनी, वस्तु बिक नहीं रही तो क्या करेंगे, तो करेंगे उसका संवर्धन। अब संवर्धन किसे कहें, कि एक व्यापारी अपनी वस्तु बेचने के लिए जो भी अतिरिक्त प्रयास करता है, यानी मूल्य के अलावा जो भी अतिरिक्त प्रयास करेगा, इन सभी प्रयासों का कहा जाता है संवर्धन कहा जाएगा। अब अपने सिलेबस में क्या करेंगे, इसमें संवर्धन वाले बताएंगे, इनका पहला है विज्ञापन, कि वो वस्तु के संबंध में विज्ञापन करेगा। दूसरा घर घर जाकर वस्तु की जानकारी देगा। तीसरा विक्रय संवर्धन, इसमें क्या आएगा, जिसका हम कटौती एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु खरीद देना, वो सारे काम इसमें किए जाएंगे। और चौथा इनका हम आगे दोबारा विवरण करेंगे जब आगे बढ़ेंगे तब। तो एक तरह से मान लेते हैं कि चार कार्य हो रहे हैं जिनके द्वारा वो क्या करता है, प्रयास करता है कि कैसे वो अपनी सेल बढ़ा सकता है, कि अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए वो जो भी कार्य करता है वो सारे कार्य क्या करते हैं, व्यक्ति मतलब विक्रय संवर्धन कहा जाता है। विक्रय संवर्धन का मतलब शामिल किया जाता है। अगला है संवर्धन हो गया कि उसने वस्तु बेचने या बेचने की जो भी योजनाएं बनाई थी वो योजनाएं बना ली। उसके बाद अगला इसमें कार्य है वो है भौतिक वितरण, कि वस्तु का उत्पादन हम केवल एक ही स्थान विशेष पर कर सकते हैं, यानी पूरी देश में अपन वस्तुओं का एक साथ क्या नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे क्या नहीं होती, अपने पास साधन उपलब्ध नहीं होते। जैसे
मान लो अपने को शुगर मिल लगानी है, राजस्थान की बात करें शुरू, शुगर मिल लगानी है, कहाँ लगाएंगे? श्रीगंगानगर,
विपणन कितने पते वितरण किया जा रहा है, इसके सामान्य जो घटक है या इसके जो कॉन्सेप्ट है, इसकी अवधारणा है कि मार्केटिंग है वो किस आधार पर काम करती है। तो सबसे पहला इसका आधार था बाजार और दूसरा ग्राहक, ये दो इसमें मुख्य रूप से आधार होते हैं, ग्राहक और दूसरा होता है बाजार। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहते हैं। उसके बाद में आगे इसमें अपन आ जाएगा कि विपणन के कार्य, तो विपणन के कार्य बाजार में सूचनाएं एकत्रित करना, विपणन की योजनाएं बनाना, वस्तु का डिजाइन तैयार करना, उसका प्रमापीकरण और श्रेणीकरण करना, पैकिंग और लेबलिंग करना, उसका ब्रांड मानदंड करना, ग्राहक सहायता, मूल्य निर्धारण, संवर्धन, भौतिक वितरण, परिवहन और भंडारण, इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इसके बाद इसमें विपणन की जो परिभाषा है वो अपने देखेंगे, एक परिभाषा है दो तो हमारी लिखी हुई है, दो में से एक जो आपको इजी लगे वो आप अपने हिसाब से उसको लिख के अच्छे से याद करें। और ये विपणन के कार्य है, इन कार्यों को अपने को याद करना है, कम से कम इसमें आठ कार्य याद होने चाहिए। संभावना ये होती है छह नंबर में पूछता जो अपने को छह नंबर से छह घंटे लिखने होते हैं, फिर भी कई बार क्या होता है कि नाम नहीं पूछ जाता है कि उम्र से आज पहले होता हो, तो अपने को अपनी सुविधा की दृष्टि से कितने कार्य याद रखने, आठ कार्य याद रखने। तो आठ में से जो मैन है कोई ऐसा नहीं पता नहीं दिखा कि भंडार है कॉमन से है जिनको अपन क्या कर सकते हैं आसानी से याद कर सकते हैं। अब कल की तरह से अपन जो टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक होगा विपणन मिश्रण। ये है उसके बाद में है विपणन के आगे अपने इसके साथ पूरे हो गए हैं। इससे रिलेटेड यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। हेलो, ठीक है स्टूडेंट, अपन अपने आज के क्लास को यही पूरा करते हैं। कल उसी में दूसरे क्लास होगी उसमें अपना टॉपिक होगा विपणन के मिश्रण, कि विपणन जो मिश्रण है उसमें अपने को कौन कौन से घटकों को शामिल करना होता है या पढ़े। यदि इससे संबंधित कोई आपके मन में क्वेरी है, ट्यूशन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप या पर्सनल नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी कल आप एक अपने हिसाब से पढ़ के रखना आगे, अपने इसी पे कल दोबारा डिस्कस करेंगे विपणन मिश्रण। और उसके लिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहला अपना मिश्रण में होगा उत्पादन, मिश्रण वाला टॉपिक है उत्पादन वाला, वो आप एक बार थोड़ा अपने जर्नली डिवाइड करके रखना पढ़ना, जिससे आपको उसको समझने में आसानी हो। थैंक यू।